अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। सामने आ रहे हैं नदीम भाई हमारे साथ, हमारे गाड़ी लेकर। तो जा रहे हैं आज माशाल्लाह, गाड़ी चेक कर कीजिए पहले। अस्सलाम वालेकुम, इसको ओपन करें जी। काशिफ साहब नहीं आए तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई अभी आ रहे होंगे आगे, मेरे ख्याल में काशिफ साहब भी पहुंच आए। So finally काशिफ भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं जिनका इंतजार था हमें। तो चलिए अब चलते हैं। अब हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So finally we are at Global Village। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनली पहुंच चुके हम ग्लोबल विलेज। तो ये है ग्लोबल विलेज की मेन एंट्रेंस, जहां से आप ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर होते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, लोग आ जा रहे हैं यहां पे। अंदर तो इसके बहुत ज़्यादा रश होता है ना, बना के चलते जाते हैं। ये देखें इसका कलर अब ये इमीडिएटली चेंज करता है ये, क्योंकि जितने जितने कलर आ रहे हैं उनको डिफरेंट। चले आप लेते हैं टिकट। तो ये सामने जहाँ पे ग्लोबल विलेज है इसके नीचे टिकट्स रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए लेते हैं टिकट्स और फिर आपको। वो मुश्किल नहीं है, मैंने वॉइस ओवर करना है इसके ऊपर अभी। तो टिकट वाला फाइनली नदीम भाई पहुँच चुके टिकट्स वाले एरिया पे, तो टिकट्स बाय कर रहे हैं। तो लोग भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये आ गए टिकट ले चुके हैं, अभी वापस आ रहे हैं। तो ये देखें रिकॉर्ड द टिकट्स, एक टिकट कितने की है प्राइस भी चेक कर ले आप। ये भी देख ले कितने का मिलता है ले जी का। तो चलिए अभी जाते हैं आगे और करते हैं टिकट्स को स्कैन शेरा। चलिए और फिर स्कैन करने के बाद हम जाएंगे अंदर सीधा। एक मिनट, हाँ पीछे वाले जीते फाइनली स्कैन करके अरुण साहब निकल गए जी। अब काशिफ साहब सो फाइनली हम हैं अभी ग्लोबल विलेज के अंदर, हम हो चुके हैं इंटर। तो अभी आपको दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। अच्छा, तो जैसे ही आप ग्लोबल विलेज के अंदर इंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्लॉक टावर नज़र आता है, और फिर यहाँ से आगे आपको डिफरेंट आर्ट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं आपके सामने इजिप्ट के जो पैरामिड्स बने हुए हैं वो दिखाई देते हैं, और ये है ग्लोबल विलेज की मेन एंट्रेंस जो अभी इसने जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज होती रहती है। तो चलिए, तो ये है तुर्की का पवेलियन, और उसके मिडल में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ है फिर आगे UAE का पवेलियन। तो वन बाय वन हम सब पवेलियंस के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है पवेलियंस के अंदर। तो चलिए, तो चलते हैं आगे, फिर आपको चल कर आके दिखाते हैं। तो ये सामने है पाकिस्तान का पवेलियन, तो अब हम जाएंगे पाकिस्तान के पवेलियन के अंदर, तो आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या स्टॉल्स हैं, क्या क्या हमारे कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो आपको दिखाएंगे। तो फिर आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरी जितने भी ये सामान, जितना भी ये छोटी छोटी चीज़ें
जो आर्ट है ये पूरे ओनेक्स मार्बल जो सबसे एक्सपेंसिव मार्बल है तो ये उसकी बनी हुई है। तो ये देखें हाथी सामने, तो ये देखें ये भाई हैं हमारे, ये सेल कर रहे हैं इसको, इनका ये स्टॉल है। तो फिर ये सामने है पाकिस्तान का शाही किला। तो शाही किले के बाहर सामने एक रिक्शा, एक ट्रक और फिर मीनारे पाकिस्तान। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं, ये है पाकिस्तान की जीन्स का वेस्ट मटेरियल जिसका यह सामान पूरा बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया इसको। तो ये है पाकिस्तान गुजरात का कल्चर, मिट्टी के बर्तन। तो अभी नदीम भाई को ये मिट्टी के बर्तन काफ़ी पसंद आ रहे थे, तो ये कप उठाया इन्होंने, कहते इनको बहुत पसंद आ रहा है लेकिन लिया नहीं। तो ये देखें यहाँ पे फूल और छोटे छोटे कछुए वो भी मिट्टी के बना के रखे हुए हैं। ये देखिए इसको, ये कितनी खूबसूरती से इन चीज़ों को बनाया गया है। तो ये है बॉटल पानी के लिए मिट्टी की, लेकिन ये ली नहीं नदीम भाई ने, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। तो ये देखिए